आगाह करें, ज़िमनी इलेक्शन तहरीक इंसाफ बौखलाहट का शिकार। ज़िमनी इलेक्शन के टिकट्स के लिए तहरीक इंसाफ का खुफिया सर्वे नाकाम, पार्टी के लाखों रुपए जाया हो गए। इस बारे में तफसीलात क्या हैं, यासीन मलिक हमें बता रहे हैं। यासीन मलिक बताइए सर्वे के हवाले से। जी, ज़िमनी इलेक्शन के लिए तहरीक इंसाफ की खुफिया सर्वे करने वाली टीम बगैर किसी तहकीक के एक जगह बैठकर सर्वे फॉर्म पर कर लेती है। उन्हें ये तक मालूम नहीं होता कि जो नाम वो खुफिया सर्वे का हिस्सा बना रहे हैं वो उम्मीदवार ही नहीं है, और उन्होंने इलेक्शन कमीशन में कागजात नाम जमा नहीं कराए, जिसकी एक बड़ी मिसाल खुफिया सर्वे में NA-124 में होने वाली मुतअद्दिद गलतियां हैं। पार्टी क़यादत ने खुफिया सर्वे की बुनियाद बनाते हुए पार्टी की टिकट के लिए ऐसे उम्मीदवारों के नाम ओके कर दिए हैं जिन्होंने इलेक्शन कमीशन में कागजात जमा ही नहीं करे। खुफिया सर्वे में नौमान कसर का नाम पहले नंबर पर आ गया। तरीके इंसाफ के कमीशन के इंचार्ज अरशद दाद ने फोन करके इन्हें नौमान कसर को तला दी कि हल्का NA-124 के लिए पार्टी टिकट आपको दिया गया, जिस पर नौमान कसर ने बताया कि भाई मैंने तो इलेक्शन कमीशन में कागजात नामजदगी जमा ही नहीं कराए। बाद तरीके इंसाफ के रहमान नईमुल हक ने खुफिया सर्वे को मद्देनजर रखते हुए दूसरे नंबर पर आने वाले हाजी इम्तियाज की बजाय शेख इम्तियाज से आगाह किया।